हेलो फ्रेंड्स, आज मैं समोसा बना रही हूँ और ये समोसा बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनने वाली है। समोसा बनाते समय कुछ छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान में रखा जाए तो समोसा बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार करते हैं। पैन में तेल डालकर गरम करें। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें थोड़ी सी जीरा, कटी हुई हरी मिर्च और कटी हुई लहसुन, इन सभी को डालकर भून लें। थोड़ी देर भून जाने के बाद मसाला ऐड करें। मसाला डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर और भुने हुए धनिए के पाउडर। भुने हुए धनिए के पाउडर डालने से समोसा का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें थोड़ी सी डाल दें अदरक और एक चम्मच आमचूर पाउडर। इन सभी को मिक्स करके उबले हुए आलू डाल दें। आलू और मसाला को एक मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करके भून लें और लास्ट में डाल दें हरी धनिया की पत्ती और भुने हुए मूंगफली। अब ये आलू तो भूनकर तैयार है, इसे साइड में रखते हैं और समोसा बनाने के लिए मैदा का डो तैयार करते हैं। यहाँ पे ले रही हूँ 250 ग्राम मैदा। इसमें ऐड करें थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी अजवाइन। अब इस मैदे में 4 बड़े चम्मच तेल डालें मोइन के लिए। अब इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करें लगभग 4 से 5 मिनट तक। अगर इसे अच्छी तरह से मोइन को मिक्स नहीं करेंगे तो समोसा खस्ता नहीं बनेगी। अगर आटा और मोइन अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे तो समोसा सॉफ्ट बन जाएगी। इस तरह से आटा और मोइन को बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिला लेने के बाद लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें थोड़े थोड़े पानी डालकर मैदा का डो तैयार करें। थोड़े थोड़े पानी डालकर इस तरह से मसलते हुए आटा का डो तैयार करेंगे। अब इस डो को 10 मिनट के लिए कवर कर दें। अब इस डो को 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे अच्छी तरह से हाथ पे मिलाते हुए छोटे छोटे लोई बनाएं और पूरी तैयार करें। पूरी को राउंड शेप में ना बेल के ओवल शेप में बेलें और उसे बीच से डिवाइड कर दें। इसी तरह से सारी पूड़ियां बेलकर तैयार कर लें। अब बेली हुई पूड़ी से समोसा तैयार करेंगे। अब एक पूड़ी उठाएं और इसे किनारे पानी लगाते हुए इसे कोन शेप में बना लें और आलू फिल करके समोसा तैयार करें। अगर पूरी के किनारे आप पानी नहीं लगाते हैं तो वो अच्छी तरह से सील नहीं होते हैं और फिर तेल के अंदर जाने पर वो खुल जाते हैं। इस तरह से सारे समोसे बनाकर तैयार कर लें। अब ये सारे समोसे बन गए हैं, अब इसे फ्राई करते हैं। इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर तेल डालें और तेल थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि समोसा उसमें डिप हो जाए। तेल को 100% गर्म ना करें, सिर्फ 30% गर्म करें। इसके अंदर समोसा डाल दें।
और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें। और जब एक साइड हो जाए तो इसे धीरे से पलट दें। अब इसे तलते हुए 8 से 9 मिनट हो गए हैं। अब इसे निकाल लें और फिर दूसरे बैच को डाल दें। और जब दूसरे बैच को डालते हैं तो गैस थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें, क्योंकि फर्स्ट ट्रिप का जो समोसा फ्राई हुआ है उससे तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, सेकेंड ट्रिप में डालने से समोसा कच्ची रह जाएगी। इसलिए थोड़ी देर के लिए गैस को ऑफ करें और 5 मिनट के बाद फिर से गैस को ऑन करके सिम कर दें। इस तरह से सारे समोसे को फ्राई कर लें। और ये देखिए, सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। इस समोसे को आप हरी धनिया की चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व करें। और ये इतनी क्रिस्पी और खस्ता बनी है कि इसे मैं तोड़कर दिखा रही हूँ। आप भी इस तरह से समोसे बनाएं, और अगर सही बनते हैं तो कमेंट जरूर शेयर करें।